अभी हम पहुंच गए जी हेडमलाला, जिधर हम आ रहे थे, और काफी टाइम लग गया, रास्ता काफी खराब था। अभी ये सनसेट है और ये व्यू देख रहे हैं हेडमलाला। कोई बात नहीं, ये आगे जी हम हेडमलाला सियालकोट, और ये देखें आज काफी पानी आया है इधर, आप देख सकते हैं। ये मेरे साथ रिजवान मौजूद है, इब्राहिम मौजूद है, और ये दोस्त हैं। दोस्त इमरान खान का ना लो, इमरान खान, इमरान खान आएगा रोड सही बनेगा इधर, ठीक है। ये देखे जी पानी कितना आया हुआ आज तक, कितना पानी मौजूद है यहाँ पे, और इस वक्त ये ब्रिज, जब भी कोई ट्रक या कुछ गुजरता है यहाँ से, बस वगैरह, तो ये ब्रिज ऐसे ना हिलता है, कांपता है, और ये पानी देखे कितना ज्यादा मौजूद है यहाँ पे। थोड़ी सी मालूम देता हूँ कि 1968 में इसको दोबारा जो है ना रेनोवेट किया गया था, ये हेडमलाला को, ये चन्नाब व्यू भी इसको कहा जाता है। ये जो है ना, वैसे तो बेसिकली 1906 और 1912 में जो ब्रिजेस थे उन्होंने बनाया था, तो लेकिन इसको 1968 में दोबारा पाकिस्तान ने बनाया, रेनोवेट किया। किलोमीटर इसकी लेंथ है और 1.1 मिलियन क्यूसिक वाटर की इसकी कैपेसिटी है। जो उस साइड पे ज़्यादा हुआ हुआ वो इधर से निकल जाता है, फिर उधर को चला जाता, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको पानी को रोकते हैं यहाँ पे, ये देखते पानी कितनी तेज़ी से नीचे गुजर रहा, पानी की स्पीड देख सकते हैं, ये सारा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे। नहीं जो फिर हमें वहाँ पे हो गई थी ब्रिज पर शाम, और फिर हम आ गए यहाँ पर, ये देखें ये पानी है सारा, और उसके ऊपर ये इन्होंने एक सेटअप सा बनाया हुआ छोटा सा, ये मैं पूरा दिखाता हूँ आपको, इसके ऊपर आप बैठ सकते हैं। बैठ के यहाँ पे खाना खाएं और गपशप लगाएं। अभी ये मैं ऊपर जा रहा हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और ये आ गया जी हमारा फर्स्ट फ्लोर, रिजवान साहब बैठे हुए हैं, इब्राहिम रिजवान के दोस्त। ये हमने यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है, खाने पीने का सारा सामान अपना लेके आए हैं। वसीम साहब ने कढ़ाई बनानी है, अभी तैयारी पकड़ रहे हैं। और ये देखिए जी सेटअप सारा, अभी यहाँ पे खाना शाना बनाएंगे, यहाँ पे चिल करेंगे और फिर खाएंगे, और वो जो खाना पकेगा वो पकते हुए भी दिखाते हैं, और साथ में जो है ना जब पक जाएगा फिर भी दिखाएंगे, ठीक है।
ਜੀ ਦੁਆਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਬੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਮਲਿਕ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਇਨਕਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਲਿਕ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅਰਹਮਾਨ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਦੀਕ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਇਹ ਹਮਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸੈਟਅਪ ਸਾਰਾ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖੇ ਆਮ ਸ਼ਾਮ ਫਲ ਵੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਕਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੋਟ ਕਹਿ ਲਏ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਕਹਿ ਲਏ ਛੋਟਾ ਸਾ ਔਰ ਇਹ ਹਮਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਆਰਾਮ ਸੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਖਾ ਸਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਫੇਰ ਟੋਕਨ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਫੇਰ ਟੋਕਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਟੋਕਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਰ ਮਟਨ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਪੋਪ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਚਰਸੀ ਕੜਾਈਏ ਲੋਹੜੀ ਚਰਸੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦਿਖਾਏ ਜ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਲੇ ਫਿਰ ਪਲੇਟ ਮੈਂ ਵੋ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਾਲਨਾ ਥਾ ਵੋ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਸਮੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚੈੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ
माशाल्लाह। चलें जी, ये तैयार हो गया हमारा खाना, अब हम ये खाते हैं और फिर बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है और वसीम भाई के हाथ में कितना का टेस्ट है। ना